हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोरा और टॉपिक है अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे बताया कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में प्राइमरी अकाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है और सेकेंडरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ठीक है, रिसीप्ट पेमेंट में सारी एंट्री होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के दौरान में एंट्रियाँ होती हैं, चाहे पिछले वर्ष या अगले वर्ष है, चाहे उस करंट ईयर से संबंध रखते हैं, वो सारी लेन देनों को लिख लेते हैं जिसका कि नकद में लिखा जोखा होता है, जिससे नकद में व्यवहार होता है, उन सारे चीज़ों को लिख लेता है। नकद की सारी प्राप्तियां और नकद के सारे भुगतान सारे लिख लेता है जो उस पीरियड में हुए हों, चाहे उसका उस पीरियड से ताल्लुक हो चाहे ना हो, करंट ईयर से ताल्लुक हो चाहे ना हो, पिछले साल और अगले साल को भी शामिल कर लेता है, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर को भी शामिल कर लेता है, चाहे वो इनकम से के संबंध में हो या एक्सपेंडिचर के संबंध में हो, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो भुगतान से संबंधित हो चाहे प्राप्ति से संबंधित हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक लगभग लगभग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, लेकिन हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस उसको नहीं कहेंगे। देखिए, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर उस तरीके का होता है और उसमें करंट ईयर से ही करंट ईयर की ही लेन देन को लिखते हैं। ठीक है, करंट ईयर के लेन देन को लिखते हैं। तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएं, कुछ खास बातें और इसको समझ लेंगे तो पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शुरुआत में शुरू की कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते उसको। ठीक है, क्योंकि उसमें नकद व्यवहार होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें करंट ईयर के सारे व्यवहार लिखे जाएंगे, तो उसको हम एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री फॉर कैश एंड कैश और बैंक। अच्छा, अब हम पेमेंट की साइड की बात करते हैं। पेमेंट साइड इसमें जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, पेमेंट जो है वो इसमें क्रेडिट साइड में होता है, राइट साइड में होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो जो पेमेंट इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाए गए हैं, उनमें जो रेवेन्यू नेचर के हैं, मतलब जो बार बार होते हैं रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन और उनका ताल्लुक करंट ईयर से ही है, केवल करंट ईयर, उनको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, पीएल के तरीकों से लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे या एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ठीक है, तो पेमेंट कॉलम में लिखे पेमेंट साइड में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे। बार बार कह रहे हैं कि डेबिट साइड पेमेंट साइड एक ही, मतलब लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब इसकी बात करते हैं इसको उल्टा, या हाँ, जो रेवेन्यू नेचर की इनकम है वो ताल्लुक है करंट ईयर का से, वो वहाँ पर दिखाई गई होंगी, कहाँ पर, वो उनके डेबिट साइड में दिखाई गई होंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट के लेफ्ट साइड में दिखाई गई होंगी, वहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो यहाँ पर हम राइट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इनकम साइड में दिखाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके के हिस्से तरीके से चलना है। ठीक है, में दिखाएंगे, बस उसमें से वही आइटम सेलेक्ट करेंगे जो रेवेन्यू नेचर की और करंट ईयर से ताल्लुक रखती है। ठीक, अब और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो इसमें एंट्रियाँ, इसमें तो नकद की एंट्री होंगे, लेकिन मान लीजिए कुछ खर्चे ऐसे हैं इसी इसके रिसिप्ट और पेमेंट के क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूँ, खर्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इनका इसमें वो क्या होगा, डेबिट साइड हो जाएगा। ठीक है, वो डेबिट साइड हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस का तरीका का था, और वो एक्सपेंडिचर का कॉलम होगा। तो जो इंडिया इसमें नकद है, अगर मान लीजिए कुछ आउटस्टैंडिंग है, ताल्लुक उसका किससे है, उसका इस करंट ईयर से ताल्लुक है, तो रजिस्टर से हम देखेंगे। ठीक है, कहीं किसी तरीके से ब्यौरा उसका मिलेगा। ठीक है, इसमें तो रिकॉर्ड नहीं होंगी, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो उसको वहाँ से देखे रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड में करंट ईयर, चूँकि करंट ईयर से ताल्लुक होंगे, और उसमें आउटस्टैंडिंग की एंट्री जो खर्चे हैं उनको लिख लेंगे। अच्छा, इसी में जोड़ देंगे उसको। ठीक है, जो इनकम
एक्रूड है लेकिन मिली नहीं है, तो इसमें तो एंट्री नहीं होगी, नहीं करी होगी रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंट्री, मतलब कि इसके इसकी डेबिट साइड में एंट्री नहीं करी हुई होगी। ठीक है, अब हम इसको क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। क्रेडिट साइड मतलब बोले तो वो क्रेडिट साइड क्या होगा, इनकम का होगा, और करंट ईयर की एंट्री लिखी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, रजिस्टर से ले लेंगे एक्रूड कितना पैसा हमको मिलना बाकी है, ड्यू हो गया मिला नहीं वो लिखेंगे। और आगे चले कि जो कुछ खर्चे हमने पहले ही दे दिए, अभी तो समझ गया होंगे आपकी ये, चूंकि जो इसमें क्रेडिट साइड है इसकी, वो इसकी डेबिट साइड है खर्चे वाली। ठीक है, तो कुछ जो प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं पहले दे दिए इसमें लिखे गए होंगे, ठीक है, वो हम क्रेडिट साइड में, हम इसके क्रेडिट साइड में जो हैं खर्चे वो इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक इस साल से नहीं है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई डेटा है कि जिसके अंदर वो प्रीपेड की रकम शामिल है, तो फिर हम घटा देंगे उसको, क्योंकि करंट ईयर से ताल्लुक नहीं, तो घटा देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे प्रॉपर। इसी तरीके से इसका उल्टा कि अनअर्न्ड इनकम है, मतलब कि हमको मिल गई है, ठीक है मिल गई है तो यहाँ दिखाई गई होगी रिसिप्ट में, दिखा दिया होगा, कहाँ दिखाया गया होगा रिसिप्ट में, डेबिट साइड में दिखा दिया होगा रिसिप्ट में पेमेंट में, तो हम इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में उसको नहीं दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसका इस साल से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और इनकम से ताल्लुक नहीं, तो विल नॉट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें दिखाई होगी लेकिन हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। और किसी तरीके से इसमें जो आइटम के बारे में हम कह रहे हैं उसमें वो शामिल है तो हम घटा देंगे, क्योंकि वो इस साल से नहीं अगले साल से ताल्लुक रखती है, तो यहाँ से घटा देंगे और फिर बैलेंस शीट में ले जाएंगे, ठीक है एडजस्टमेंट करेंगे अपना। अच्छा अगली बात है रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो कैपिटल नेचर के खर्चे या इनकम्स होगी तो उसको वहाँ पर ही तक सीमित रहने देंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंटरटेन नहीं करेंगे, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल नेचर के हैं, वो बैलेंस शीट से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा प्रीवियस ईयर के कुछ खर्चे हों या प्रीवियस ईयर की इनकम हो जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट पे दिखाई गई हो तो विल नॉट रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर में उनको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से संबंधित है। अभी जैसा हम बता रहे थे कि जैसे कि प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग और आपके यहाँ पर अनअर्न्ड एडवांस वाली चीज़ें, तो ये सब जो सब अगर डेटा में वो शामिल है तो प्रॉपर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और उसको अगर सेपरेट रकम है तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो इन सब के साथ में एडजस्टमेंट करेंगे, ट्रेस आउट करेंगे कि कहाँ एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि कंसर्न पीरियड से जो ताल्लुक रखती हैं तो करंट ईयर को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित एडजस्टमेंट करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में, ठीक है, जिनका होना चाहिए करंट ईयर से संबंधों की आइटम का संबंध है उनको एडजस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।